ईरान की राजधानी तेहरान से चीन के गवांगझाओ जाते हुए एक यात्री विमान में बॉम्ब होने की सूचना पर दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई। ईरानी विमान उस वक्त भारत के हवाई क्षेत्र में था। भारत के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने जब विमान को ये सूचना दी तो पायलट दिल्ली में ही विमान उतारने की अनुमति मांगने लगा, लेकिन उसे जयपुर जाकर उतरने को कहा गया। लेकिन पायलट जब दिल्ली में ही उतरने की जिद करने लगा तो भारतीय वायुसेना ने कमर कस ली। तब जाकर उसने विमान का रुख चीन की तरफ मोड़ा। सूत्रों ने बताया कि पंजाब और जोधपुर एयरबेस से एयरफोर्स स्क्रैम्बलिंग हुई थी। इन दोनों एयरबेस से सुखोई 30 MKI ने उड़ान भर लिया था। तब तक ईरान की सुरक्षा एजेंसियों ने भारत से संपर्क किया और कहा कि विमान में बॉम्ब होने की सूचना को नजरअंदाज किया जाए। तब जाकर उसके विमान को भारतीय क्षेत्र से निकलने दिया गया। आइए जानते हैं कि एयरफोर्स स्क्रैम्बलिंग क्या होता है। वायुसेना के शब्दकोश में स्क्रैम्बलिंग का मतलब आपातकालीन परिस्थिति में लड़ाकू विमानों की तैनाती और उसके उड़ान भरकर एक्शन में आने की क्षमता से निकाला जाता है। सूचना मिलने के कितने वक्त में कोई सेना अपने विमानों को मोर्चे पर लगा देती है, ये उसका स्क्रैम्बल टाइम कहलाता है। स्वाभाविक है कि जिसका जितना कम स्क्रैम्बल टाइम होगा उस वायुसेना की क्षमता को उतना ही ज्यादा आंका जाता है। अगर अचानक दुश्मन ने हमला कर दिया हो या फिर अचानक हमले की आशंका पैदा हो गई हो या फिर किसी और तरह का खतरा पैदा हो गया हो तो उसका जवाब देने या उसे रोकने के लिए वायुसेना अपने विमानों की स्क्रैम्बलिंग करती है। इसका सीधा मतलब है कि वायुसेना अपने लड़ाकू विमानों के साथ मोर्चे पर जुट जाती है। इससे पहले उसे एयरक्राफ्ट को तुरंत तैयार करना पड़ता है और जितना संभव हो उड़ान भरनी पड़ती है। इसकी प्रक्रिया पायलट्स के जी सूट पहनने से शुरू होती है, फिर फोन की घंटी बजती है, सायरन बजते हैं और पायलट अपने हेलमेट लेते हैं, एयरक्राफ्ट की तरफ तेजी से भागते हैं, फिर कॉकपिट में बैठकर तुरंत इंजन स्टार्ट करते हैं और हरी झंडी मिलते ही उड़ान भर लेते हैं। एयर स्क्रैम्बलिंग में सबसे पहले संदिग्ध विमान का पीछा करना होता है, उसे घेरना होता है और परिस्थितियों के मुताबिक या तो उसे खदेड़ा जाता है या फिर उसे जमीन पर उतरने को मजबूर किया जाता है। इस दौरान दुश्मन के विमान से एक सुरक्षित दूरी कायम रखनी होती है ताकि उसके हमले का शिकार न हो जाएं। अगर दुश्मन का विमान तमाम चेतावनियों के बावजूद न जमीन पर उतरता है और न ही हवाई क्षेत्र से बाहर निकलता है तो उसे मार गिराने का फैसला लिया जाता है। सुखोई 30 MKI ने भी ईरान के विमान को घेरते वक्त उसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत सुरक्षित दूरी बनाए रखी। हालांकि ईरानी विमान ने सुखोई की चेतावनी के अनुसार भारतीय हवाई क्षेत्र छोड़ दिया और चीन की ओर रवाना हो गया। बाद में पता चला कि बॉम्ब की सूचना महज एक अफवाह थी और वो प्लेन चीन के गवांगझाओ में सेफली लैंड कर गया।